पानी वाली जगह, ये वाली जगह है, तो वापस से मुझे सामान चाहिए, मुझे सरवाइव करना है। तो ओ माय गॉड, ये कितना अजीब है यार, कितना अजीब है। ओ नहीं 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 नहीं, मैं जल रहा हूँ। बच गया। यार माइनक्राफ्ट में ना इतने ज़्यादा मोड्स आए, इतने ज़्यादा मैप्स आए, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि माइनक्राफ्ट का एक सन का मैप भी है? तो आज मैं सन का मैप लेके आया हूँ, यानी कि हम सूरज के ऊपर हैं। ये जो प्लेनेट देख रहे हो, ये सूरज है, इसके हम ऊपर हैं। और हमारे पास ना सिर्फ पिकेक्स है, और मुझे नहीं पता कि पिकेक्स के साथ क्या करना है मुझे। और मैं सन में घूम रहा हूँ, पूरा सन लावा से भरा पड़ा है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर सर्वाइव कैसे करूँगा। और ये सारे के सारे ग्लासेस हैं, और अंदर लावा है, पता नहीं क्या होगा यार, सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। हमें आज ये देखना है कि हम सन में सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। अभी ना मुझे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा आसपास, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे हम सरवाइव करेंगे। तो मुझे वो ढूंढना है, वो देखो वहाँ पे कुछ है। एक मिनट, वहाँ पे क्या है? ओ माय गॉड, देखो वहाँ पे एक स्पेसशिप है। ये स्पेसशिप या स्पेस वर्ल्ड है, पता नहीं क्या है, लेकिन वहाँ पे कुछ है, दिख रहा है तुम्हें? ओह माय गॉड, हमें आई थिंक वहाँ पे पहुँचना, हमें वहाँ पे जाना होगा। लेकिन वहाँ पे कैसे जाएंगे यार? हमारे पास सिर्फ एक पिकेक्स है, और मुझे नहीं लगता इस पिकेक्स से हम ग्लासेस को तोड़ सकते हैं क्या? वैसे मैं ये ग्लासेस लेके जा सकता हूँ? एक मिनट, देखते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं। नहीं, ये ग्लासेस भी हम नहीं ले सकते, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? एक मिनट, वहाँ पे भी कुछ है, आगे भी कुछ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने हिंट दिया होगा जिससे हमें सरवाइव करना है, हमें बस वो हिंट ढूंढना है। ओह माय गॉड, वहाँ पे एक चेस्ट है, दिख रहा है तुम्हें? हमें वहाँ पे जाना होगा, और मुझे ये ग्लासेस के ऊपर से जाना होगा, और मेरे पास कुछ है नहीं। एक मिनट, ये भी क्या चीज़ है, इसको ले सकते हैं क्या? इसको तो ले सकते हैं मुझे लगता है। ओ माय गॉड, एक मिनट, नहीं गिरा ना, ठीक है, बच गया। तो ये तो हमें मिल गया, लेकिन इसका काम क्या है? इसका मैं क्या करूँगा, पता नहीं इसका मैं क्या करूँगा। हमें अभी वो चेस्ट तक पहुँचना है किसी तरीके से, तो टीप के जाना पड़ेगा। और नीचे गिर गए तो बहुत बुरा होगा यार, हमारे पास ये चेस्ट ही चला जाएगा। बच गए, और हमारी पावर लो हो रही है, हमें अपनी पावर को लो होने नहीं देना। पता नहीं क्या होगा, अगर मैं आउट हो गया तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। हमें अभी वहाँ तक कहीं किसी तरीके से जाना होगा, चलो ट्राई करते हैं फिर से। ये टीपा, एक मिनट, ये टिपा, ठीक है, और ये गया। अरे यार, 20 मिनट्स लेटर, अभी थोड़ा सा बस रह गया। ओके, अरे यार गॉड, नहीं होना था आउट मुझे यार, नहीं होना था, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपनी जगह पे। तो ठीक है, तो फिर से अब यहाँ से गिरना नहीं है, ठीक है, पहुँच गए। ओके, अभी यहाँ से उस साइड जाना पड़ेगा, ठीक है, गए, फिर यहाँ पे अब पहुँच जाएंगे, मुझे लगता है पहुँच जाएंगे, पक्का पहुँच जाएंगे। ये पहुँच गया मैं, पहुँच गया, फाइनली। ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पे सूरज पे हम क्या ट्री वगैरह लगा सकते हैं क्या? एक तो ये सीड्स मिली है मुझे, और ये भी वीट सीड्स, पता नहीं क्या करूँगा इनका मैं, पढ़ना मिला है। और ओके, चलो इनको ही ले लेते हैं यार, बाकी देखते हैं इनका क्या काम है। अभी देखते हैं कि हम इस सामान के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डर्ट, यार ये क्या हुआ? हाई लिमिट इज फॉर बिल्डिंग इज 256 ब्लॉक्स। ओ नहीं यार, प्लीज़ नहीं, हम ऊपर कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन नीचे बना सकते हैं, इसके ऊपर भी नहीं बना सकते, मतलब समझे तुम? मतलब ये है कि इसकी हाईएस्ट प्लेस ये है, इससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती। तो हम ट्री कैसे लगाएंगे? ये देखो, अगर हम दो ब्लॉक्स नीचे आते तो दो ब्लॉक्स लगा सकते हैं, अगर तीन ब्लॉक नीचे जाएंगे तो तीन ब्लॉक्स लगा पाएंगे।
ओके तो बहुत नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ट्री बनाएं यहाँ पे तो क्या वो उगेगा? सबसे पहले तो हमें देखो तलवारें वगैरह तो चाहिए, तलवार तो नहीं चाहिए मुझे लगता है, तलवार का कोई काम नहीं है, लेकिन बाकी भी तो चीज़ें चाहिए हमें हमें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्री उगा देते हैं। हमारे पास वाटर बकेट है, इसको यहाँ पे डालो और यहाँ पे पौधा लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके उगने का वेट करते हैं, वैसे थोड़ा सा इसको आगे भी करते हैं ताकि ये उग पाए। अब मुझे नहीं पता ये ट्री सन के ऊपर उग सकता है कि नहीं, उगना तो चाहिए यार। अभी ना वीट सीड लगा सकते हैं और ना ही बीट रूट सीड्स लगा सकते हैं, तो हम करें तो करें क्या? ओके नहीं लगा सकते यार, इसके लिए भी हमें एक हथियार आता है, वो चाहिए। तो अभी एक काम करते हैं कि हमारे पास ना बोन मील है, तो उसको बड़ा करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, और मैंने यूज़ कर लिया। अब वेट करना है कि ये कब बड़ा होता है, तो हो जाए यार बड़ा, प्लीज़ हो जा ना, प्लीज़ हो जा। अगर ये बड़ा हो गया तो हमारा सर्वाइव करने का आधा काम हो जाएगा। अभी ये हो नहीं रहा यार, तो एक काम करते हैं फर्नांस को लगाते हैं यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ कि इसका काम क्या है, ठीक है, इसका हमारे पास क्या कुछ है। हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो इनको यूज़ करके देखते हैं कि इनसे हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो फर्नांस, ये स्पॉग का क्या काम होता है वैसे, पता नहीं कहाँ क्या होता है, तो इसका भी क्या काम होता है पता नहीं, ये कैसे काम करेगा मुझे अभी कुछ नहीं पता कि फर्नांस के अंदर मैं क्या डालूं। अभी हमारे पास ऐसा कुछ, अरे ये क्या हुआ, एक मिनट, ये कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो एक मिनट, ये मुझे, मैं लावा को वाटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ फर्नांस के ज़रिए। ओ माई गॉड, ऐसा पॉसिबल है क्या, मैं लावा को पानी में वाटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ओ माई गॉड, मतलब मैं जितना भी वाटर लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ पानी से, मतलब लावा से। वाओ, मज़ा आ गया। ओके तो एक बकेट वाटर तो हमारे पास हो गई है। कबल स्टोन मशीन बना लेते हैं जो पानी और लावा से मिलके बनता है, ठीक है, हमें वो बनाने पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, स्टोन चाहिए यार। डर्ट तो हमारे पास बहुत कम पड़ा है यार, 3-4 ही ब्लॉक्स पड़े हैं, उससे तो हम नहीं बना पाएंगे, हमें बहुत सारे स्टोन भी चाहिए। उसके लिए हमें कोई और दूसरा आइडिया भी सोचना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं ये सारे लावा को लैन लैन से तोड़ता जाऊं और फिर ऊपर से पानी फेर दूं। तो अगर मैंने ऊपर से पानी फेर दिया तो ये पूरी लैन है वो कबल स्टोन की लैन बन जाएगी और बहुत सारा हमें कबल स्टोन मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये काम करता हूँ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। पहले तो इस पूरे लैन को हमें तोड़ना पड़ेगा ताकि लावा बाहर दिखे और ऊपर से हम पानी छोड़ेंगे। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर से करते हैं पानी छोड़ देते हैं, फिर देखना क्या होता है। ये क्या हुआ यार, बीच में वो ब्लैक वाली भी आ रही है, लेकिन ठीक है, चलो अच्छा हो गया। काफ़ी ज़्यादा कबलस्टोन हम यहाँ से उठा सकते हैं और ढेर सारा तोड़ सकते हैं और बार बार हम लावा डाल सकते हैं ऊपर से, जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये भी कबलस्टोन मिल गया हमें। तो है ना मज़े की चीज़। तो और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पानी उठा के इस साइड डालना पड़ेगा, अब दूसरी तरफ से हमें लावा डालना पड़ेगा। अब देखना अब ये वर्क करेगा फिर देखना। हा 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 हा, ये अंदर पता नहीं क्या था, ठीक है। तो अब ये, वाह मेरे शेर, ये हुआ ने बात। अब हम सूरज को कबलस्टोन से बंद कर सकते हैं यार। सोचो नीचे वाले प्लेनेट का क्या होगा जब रोशनी नहीं आएगी। अरे यार ये गलती मैंने फिर से कर दी, मैंने इसको तोड़ के इसको ऊपर डालना पड़ेगा लावा के ऊपर ताकि हमारे सारे कबलस्टोन ज़ाया ना हो जाएं। तो ये डाल दिया मैंने। ओके तो अब हम जितना चाहे कबलस्टोन निकाल सकते हैं, बस अब निकालते जाओ कबलस्टोन, फिर देखना क्या होता है। ओके अभी ना इसको ये बन गया, ठीक है, यहाँ से भी इसको बनाते हैं और फिर इसमें अनलिमिटेड वाटर टैंक बनाएंगे, ठीक है। तो इसको भी बंद कर दिया। अब हमें दो बकेट ऑफ वाटर चाहिए, तो एक बकेट ऑफ वाटर तो ये हो गया, लेकिन एक बकेट ऑफ वाटर अभी भी रहती है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसको रखो, इसको एक यहाँ पे रखो और फिर अब हमें एक बकेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो जल्दी मिल जा और हम अनलिमिटेड वाटर बकेट बना सकते हैं, यानी अनलिमिटेड वाटर बना सकते हैं, पानी की भरमार हो जाएगी और पूरे सूरज को ना हम एक कबलस्टोन का वो बना देंगे, प्लेनेट बना देंगे, क्योंकि हमारा अभी तक ट्री है वो उग नहीं रहा। तो इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि हमें पूरे प्लेनेट को ना कबलस्टोन से ढकना होगा, तभी हमारा ट्री उग पाएगा। अब देखो ये बन गया। अब देखो मेरे पास एक आइडिया है,
अब मैं ऊपर से पानी फेंकूंगा तो पूरा का पूरा सूरज है ना वो कबलस्टोन से बन जाएगा। जब कबलस्टोन से बन जाएगा तो उसमें डर्ट भी काम करेगा, वाटर भी काम करेगा और फिर हमारी ट्री रेडी हो जाएगी। तो अरे यार मुझे लगा ये कबलस्टोन से बन जाएगा, ओ नहीं यार ये पानी को, अरे यार एक मिनट कुछ कबल, अरे ये अंदर क्या है, अंदर कुछ तो है, अंदर कुछ तो है नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या चीज़ अंदर, एक मिनट, ओ माय गॉड ये बिल्कुल, अरे यार ये लावा फिर वापस आ जाता है। बहुत हो गया यार बहुत हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ अंदर जाने का, पता नहीं मुझे पता है मैं मरूंगा, मुझे पता है मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी चलते हैं देख के आते हैं कि अंदर क्या है, पता नहीं क्या होगा, ओ माय गॉड देखा तुमने पता नहीं क्या है, वापस अंदर चलते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार मुझे पता था मैं मरूंगा, मुझे पता था मेरा सामान चला गया यार, अब तो मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता, अब तो 100% यकीन हो गया कि मैं सन में सर्वाइव नहीं कर सकता, मुझे वापस अंदर जाना होगा, मुझे वापस अंदर जाना होगा। कहाँ है, यहाँ से नहीं था यार, पानी वाली जगह, ये वाली जगह है, तो वापस है, मुझे सामान चाहिए, मुझे सर्वाइव करना है तो, ओ माय गॉड ये कितना अजीब है यार, कितना अजीब है, ओ नहीं 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 नहीं, मैं जल रहा हूँ मैं जल रहा हूँ मैं जल रहा हूँ मैं जल रहा हूँ मैं जल रहा हूँ, बच गया बच गया बच गया बच गया, मेरा सामान किधर है, मेरा सामान किधर है, ओके 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 बच गया, कितना अजीब है कितना डरावना है यार, ओहो हो मेरा सामान वहाँ पे है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, मैं जल जाऊँगा, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, कुछ तो हाथ आया लेकिन मैं नहीं बच सकता यार, मैं नहीं बच सकता, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, वो सामान लेना भी अभी पॉसिबल नहीं है, हमारा पकेट भी नहीं है, ये मैं मर गया, ओ गॉड, ओ एक मिनट, एक जगह अब तो है यहाँ पे एक मिनट, हाँ सही है। तो यार मुझे लगता है कि सन में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल है यार, सन में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो स्पेसशिप मैंने तुम्हें दिखाई वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा और वहाँ पे जाने का कोई ना कोई रास्ता भी होगा। तो अभी मैं इस गेम को एंड करता हूँ, नेक्स्ट टाइम खेलूँगा इसको समझ के वापस आऊँगा और वापस से खेलूँगा। तो अगर तुम चाहते हो मैं ये गेम दोबारा से खेलूँ और दोबारा क्लियर करके दिखाऊँ तो तुम्हें क्या करना होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, तो जल्दी से मुझे वहाँ पे 10,000 फॉलोवर्स कर दो। तो अगर मुझे वहाँ 10,000 फॉलोवर्स मिल गए ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ ये दोबारा से खेलूँगा और दोबारा इसको क्लियर भी करूँगा। तो अगर यार वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे मैं लाइव आने का सोच रहा हूँ, तो जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो यार। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, बाय।